प्रकाशय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मुख्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते रक्तकांचन गौराणी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भगवद गीता के छठवें अध्याय में भगवान ने अंत में क्या कहा था, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गले अंतरात्मना श्रद्धावान् लभते यो मां समय युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह मुझमें परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। ऐसा भगवान कह करके, मतलब भगवान जो है ये श्लोक से बेसिकली भक्तों की चर्चा करना आरंभ करते हैं, है ना। इसी श्लोक से भगवान जो है भक्तों की चर्चा करना आरंभ करते हैं। तो जब भक्त भगवान की चर्चा करने लगता है तो भक्त भगवान में मस्त हो जाता है, और जब भगवान भक्त की चर्चा करते हैं तो भगवान भी भक्त में मस्त हो जाते हैं। समझ में आया क्या? जब भगवान भक्त की चर्चा करते हैं तो भगवान भी भक्त में मस्त हो जाते हैं, और भक्त जब भगवान की चर्चा करता है तो वो भी भगवान में मस्त हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे भगवान ने अर्जुन के सामने एक भक्त का प्रकरण आरंभ किया, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गदेन अंतरात्मा श्रद्धावान् यो भजते माम समय युक्त तमो मतः, कि मेरा भक्त जो है जो श्रद्धापूर्वक मुझसे भजता है वो सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो भगवान यहाँ पे बताने का फिर प्रयास करने लग जाते हैं कि किस तरह से मेरा भक्त जो है वो सभी योगियों में श्रेष्ठ होता है। तो ये प्रकरण भगवान ने सातवें अध्याय में शुरुआत कर दिया। ये प्रकरण भगवान जो है बिना अर्जुन के पूछे, अर्जुन ने कुछ प्रश्न नहीं किया, लेकिन भगवान ने भक्त का प्रकरण जो है वो सातवें अध्याय में आरम्भ कर दिया। तो सातवां अध्याय भगवत ज्ञान है, यानी भगवान अपने बारे में ज्ञान देने लग गए। और आठवें अध्याय में जब भगवान से ये प्रश्न, भगवान सातवें अध्याय का विषय आरंभ किए थे, तो भगवान बीच में साधि भूतादिदेव मां साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले च ते मां चेतसा इत्यादि इत्यादि बातें, जब साधि भूत साधिदेव ये सब शब्द इस्तेमाल करने लगे, हाँ ब्रह्म विदुः रचनम अध्यात्मम कर्म चाक्रम ये सब वर्ड भगवान जब यूज़ करने लगे, तो अर्जुन जो है भगवान से सातवें आठवें अध्याय के आरंभ में एक प्रश्न पूछ लेता है। एक प्रश्न ही पूछता है, कितने प्रश्न पूछता है? सात प्रश्न पूछता है। क्या है प्रश्न? किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम किम् अधिभूतम च किं प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञ कथा को अत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम देयोसि नियतात्मजी। भगवान से जब ये प्रश्न पूछ लेता है अर्जुन आठवें अध्याय में, तो भगवान उसका उत्तर पूरे आठवें अध्याय तक देते हैं।
विशेष करके अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान जो है कहाँ दे देते हैं, 2 ही श्लोक में दे देते हैं। ये हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। हाँ, भगवान 2 ही श्लोक में उस प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, जो 6 प्रश्न होते हैं। 7वां प्रश्न जो होता है उसका उत्तर जो है भगवान प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः, यानी मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान जो है ये पूरा 8वां अध्याय डेडिकेट करते हैं। जब 8वें अध्याय में भगवान अर्जुन को ये सारा प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं कि अंतकाल में उसको क्या करना चाहिए, कैसे वो इस जगत से जगत से प्रयाण करता है वगैरह वगैरह सब बताने के बाद में फिर बताते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसः चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रविष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपेति चार्यः, कि भगवान बताते हैं कि बहुत सारे तरीके हैं मुझे प्राप्त करने के, लेकिन मुझे प्राप्त करने के लिए जो भक्ति मार्ग से प्राप्त करना चाहता है, मुझे जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले कर्मों के फल से वंचित नहीं होता। मतलब जो भक्ति करता है वो ये सब कुछ नहीं करेगा, मतलब तपस्या नहीं करेगा, वेद का अध्ययन नहीं करेगा, दार्शनिक तथा सकाम कर्म नहीं करेगा, तो भी उसको क्या मिलेगा, वो सब चीज़ों का फल प्राप्त होगा जो केवल मेरी भक्ति करेगा। तो मेरा भक्ति करने वाले व्यक्ति को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, इनडायरेक्टली भगवान बता रहे हैं। समझ में आया ना, जो व्यक्ति भगवान के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहता है उस व्यक्ति को लिए भगवान की भक्ति छोड़ करके दूसरा कुछ करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ये बता रहे हैं भगवान। सो इस तरह से बताने के बाद में भगवान जो है फिर से वो जो 9वें अध्याय में भक्त का प्रकरण आरंभ किए थे, अपने बारे में ज्ञान देना, भक्त को अपने बारे में ज्ञान देना आरंभ किए थे ना, तो फिर से वही जो भगवत ज्ञान था उसी भगवत ज्ञान को परम गुह्य ज्ञान के नाम से भगवान ने फिर से ये 9वां अध्याय आरंभ कर दिया। तो ये तीनों चैप्टर का कनेक्शन है, 7वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। समझे, अगर आपको कभी कोई पूछा कि इन चैप्टर्स का कनेक्शन क्या है, तो ये इतना लिखना होगा आपको, ये इनका कनेक्शन है। तो इस 9वें अध्याय में भगवान क्या आरंभ करते हैं, 9वें अध्याय में भगवान फिर से अपने बारे में जो 7वें अध्याय में ज्ञान दे रहे थे उसी ज्ञान का प्रकरण आरंभ कर देते हैं। और इस भगवान के द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान कहने का जो प्रवाह चल रहा था विज्ञान के द्वारा, यानी रियलाइजेशन के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान का जो ज्ञान प्राप्त करने का जो विषय चल रहा था उसी को भगवान जो है अब इस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो भगवान सबसे पहले क्या बोलते हैं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे असुभा। भगवान क्या बोल रहे हैं कि इदं तु ते, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ अर्जुन, यानी इदं तु ते देने जा रहा हूँ नहीं, मतलब दे रहा हूँ, 7वें अध्याय में दिया, 9वें अध्याय में भी दे रहा हूँ, ये सब ज्ञान जो है बड़ा गुह्य है, हर एक को ये प्राप्त नहीं होता है। ये किसको प्राप्त होता है उसका कंडीशन भगवान ने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इस चैप्टर में हम टोटल क्या डिस्कस करेंगे इसके बारे में ज़रा जानते हैं। पिछले अध्याय में आत्मा और देह विषय ज्ञान को गुह्य ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया। गुह्य ज्ञान मतलब कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो किसका ज्ञान, जो एनालिटिकल स्टडी के द्वारा, समझ में आया ना, जब तक व्यक्ति ये ज्ञान सुनता नहीं है, गुह्य ज्ञान सुनता नहीं है, तब तक उसको समझ में नहीं आता है कि मैं ये शरीर से परे आत्मा हूँ। वो दुनिया में सब कुछ देखता है, मृत्यु देखता है ना, शरीर का बदलाव देखता है, शरीर का विनाश होना देखता है, और लोगों का रीइंकार्नेशन होना भी देखता है, सुनता भी है कि ये पहले जन्म लिया था और मर गया, उसके बाद दोबारा जन्म लिया है ना, ऐसे सुनने में आता है कि नहीं, पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में, लेकिन फिर भी उसको ये नहीं समझ में आता है कि ये शरीर नहीं हूँ मैं, समझ में आया ना, वो अपने शरीर को ही मैं मानता है, इसीलिए उस ज्ञान को गुह्य ज्ञान कहा गया है। तो आत्मा और देह का जो विषय है इस ज्ञान को गुह्य ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया, और अब 9वें अध्याय में राज विद्या के रूप में आत्मा के स्वरूप सिद्ध शाश्वत क्रियाकलापों की चर्चा की जा रही है। कि आत्मा जो शाश्वत स्वरूप में, यानी अपने आत्मक स्वरूप में है, जो
उस आत्मा के स्वरूप में रहते हुए आत्मा के क्या एक्टिविटीज है, उसकी चर्चा यहाँ पे आरंभ की जा रही है। सो संपूर्ण गीता में जीव के सनातन धर्म की चर्चा की गई है, परंतु इस नौवें अध्याय में विशेष रूप से जीव के द्वारा अपने आराध्य भगवान पुरुषोत्तम के प्रति प्रेम पूर्वक भक्ति योग में की जाने वाली सेवा का विशेष रूप से वर्णन किया गया कि जीव आत्मा भगवान का जो अंश है वो अपने पूर्ण का किस तरह से प्रेम पूर्वक सेवा कर सकता है। तो अध्याय के आरंभ में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन की योग्यता के कारण वो उसको ऐसे गुह्य ज्ञान बताएंगे। मतलब ये ध्यान रखना चाहिए कि गुह्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, योग्यता चाहिए, जिसके द्वारा वो इस जटिल भव बंधन के दुस्सह दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। ये भौतिकता के कारण जो जटिल बंधन उत्पन्न होता है, भौतिकता क्या है बताइए, भौतिकता क्या है, यस, सांसारिक क्रियाकलाप, सांसारिक कार्य क्या है, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, घर में लड़ाई झगड़ा, शादी ब्याह, है ना, संतति उत्पन्न करना, कमाना, झगड़ा करना, घर बनाना, घर तोड़ना, ये सब क्या है, सांसारिक है, समझ में ना। तो सांसारिक क्रियाकलाप जो है, हाँ, उससे क्या होता है, बंधन उत्पन्न होता है। सांसारिक क्रियाकलाप व्यक्ति किसके लिए करता है, अपने लिए करता है। तो जो भी कार्य अपने लिए किया जाता है उससे क्या उत्पन्न होता है, बंधन उत्पन्न होता है। लेकिन जो काम भगवान के लिए किया जाता है उससे मुक्ति प्राप्त होती है। तो उससे प्राप्त करने के लिए एक ज्ञान चाहिए। अगर जैसे मान लो किसी व्यक्ति के शरीर में कुछ बड़ा ट्यूमर हो गया है, लेकिन वो व्यक्ति बड़ा ऐसा स्किनी हो चुका है, समझ ना, उसके ऊपर ऑपरेशन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, हाँ, तो डॉक्टर उसके ट्यूमर को निकालना चाहता है लेकिन उसका ऑपरेशन कर सकता है क्या, हाँ, नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑपरेशन करने जाएगा तो वो मर जाएगा। एटलीस्ट ट्यूमर का दुख सह करके जिंदा तो है, पर जैसे शरीर को टच करेगा, क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर योग्यता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ऑपरेट करने जाता है तो पहले उसका चेकअप करवाता है कि ये ऑपरेशन करने के योग्य है या नहीं है, है ना। उसी तरह से ज्ञान प्राप्ति के लिए भी योग्यता चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए भी क्या चाहिए, योग्यता चाहिए। तो भगवान देखते हैं कि किसके अंदर योग्यता है, जिसके अंदर योग्यता है वही व्यक्ति भगवत ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और क्या योग्यता होनी चाहिए, वो इस श्लोक में मेंशन है, है ना। फिर कृष्ण बताते हैं कि किस तरह से संपूर्ण जगत उन्हीं पर आश्रित है, उनसे ही प्रकट होता है और उन्हीं में समाया हुआ है, फिर भी वे इससे सर्वथा अलिप्त और अनाशक्त हैं। अपने बारे में बता रहे हैं कि संपूर्ण जगत उनसे ही बना हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान क्या है, अलिप्त और अनाशक्त हैं, है ना। इसके बाद बताते हैं कि किस तरह से मूर्ख लोग उन्हें मनुष्य के रूप में देख करके उनका उपहास करते हैं और उनकी सत्ता को स्वीकार अस्वीकार कर भव बंधन में पड़कर अनवरत दुखों को भोगते रहते हैं, और इससे विपरीत महात्माओं का वर्णन करते हैं जो उनके भजन क्रिया में अनुलग्न होकर के इस भव बंधन से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद कृष्ण विभिन्न प्रकार के उपासकों, जैसे मायावादी, विश्व उपासक, विश्वरूप का जो उपासना करने वाले होते हैं, देवताओं की उपासना करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों की चर्चा करते हैं, और फिर उनकी चर्चा करते हुए उनके द्वारा प्राप्य गति का वर्णन करते हैं कि ऐसे लोग की भी क्या गति प्राप्त होती है, अंतगति क्या होती है, और अपने भक्तों की रक्षा और देवता उपासकों के द्वारा प्राप्त लाभ, उसके स्वभाव इत्यादि की भी चर्चा करते हैं, और अपने भक्तों की चर्चा करते हुए बताते हैं कि यद्यपि निम्न जन्म के कारण कर्म के बावजूद, निम्न जन्म और कर्म के बावजूद भी उनके भक्त उन्हें प्राप्त कर लेते हैं, है ना, स्त्री वैश्य तथा शूद्रा वाला उस श्लोक का जो है, निम्न जन्म के कारण भी वो उन्हें प्राप्त कर लेते हैं, और अनन्य उपासक कड़ी मेहनत के बावजूद भी भव बंधन में ही जकड़े रहते हैं।
मतलब भगवान की उपासना छोड़ करके, भगवान की भक्ति करना छोड़ करके, जो बाकी अन्य देवी देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं, जो इनडायरेक्ट भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वो कभी भी भव बंधन से मुक्त नहीं होते। इसलिए अर्जुन से अनुमोदन करते हैं कि वह हर परिस्थिति में उनका भक्त बने और अपने अस्तित्व को सफल बनाए, है ना। क्या कहा है भगवान ने लास्ट श्लोक 34 क्या है बोलो, हाँ, मन मना भव मत भो मदिया जी माम नमस्कारो माम वैश्य सत्यम ते प्रति जानी प्रियोसम। तो इस तरह से भक्ति योग ही सर्वोत्तम योग पद्धति है, ये भगवान स्थापित करके बाद ये 9वें अध्याय में भगवान जो है महत्वपूर्ण योग तंत्र की सक्रिय व्यवहार में लाने की बात करते हैं कि किस तरह से इस योग पद्धति को, भक्ति योग को किस तरह से हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ला सकते हैं। आवश्यक परम गुह्य ज्ञान देते हैं उसके लिए कि इस योग पद्धति को हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन भगवान क्या कहते हैं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभा। भगवान ने कहा है अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं नोट करने के लायक, समझ में है ना। भगवान कहते हैं कि जो मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, तो आप भी कहोगे कि मैं तो भगवान से कभी ईर्ष्या नहीं करता हूँ, है ना, है कि नहीं है। तो फिर भगवान जो कह रहे हैं कि मुझे ये ज्ञान मिलना चाहिए, मैं उसका योग्य अधिकारी हूँ, लेकिन अब तक मिला क्यों नहीं है ना? मैं तो भगवान से कभी ईर्ष्या नहीं करता हूँ, और भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान मैं उसी को देता हूँ जो योग्य अधिकारी है, जो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। तो मुझे ये ज्ञान मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिला, इसका क्या कारण है? तो मैं भगवान से द्वेष कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कैसे कर रहे हैं, वही प्रश्न है। भगवान से नहीं करते, नहीं मान लीजिए भगवान के भक्तों से करते हैं, तो भगवान के भक्तों से हो जाता है, कभी भक्तों से ईर्ष्या हो जाता है, कभी हो जाती है, वो भी तो भगवान ही वो है। देखिए, हमको ये जानना चाहिए कि भगवान जब भगवद गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभव कहने का मतलब भगवान का क्या, अभी अगले 10वें अध्याय में पढ़ेंगे हम। भगवान क्या कहना चाहते हैं कि सब कुछ मुझसे प्रभाव होता है, प्रकट होता है, सब कुछ मुझसे प्रकट होता है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ गुण देखते हैं, समझ में ना, गुण देखते हैं, उसके अंदर कुछ अचीवमेंट देखते हैं, और हमारे मन में उसके प्रति अगर द्वेष जागृत होता है, तो एक्चुअली मैं आपसे पूछूंगा कि क्या कोई व्यक्ति डेड बॉडी से ईर्ष्या करता है? कोई सुंदर स्त्री बहुत रहेगी, हाँ, और एक मरी हुई सुंदर स्त्री पड़ी हुई समझ में आया ना, तो वो ईर्ष्या उससे ईर्ष्या करेगी कि ये मरी हुई है, इधर इतनी सुंदर क्यों दिख रही है, हाँ प्रभुपाद कहते हैं भौतिक जगत में वो जो एक बीमारी है ना, टेम्परेचर, वो स्टोरी मालूम है आप लोग को, प्रभुपाद ने अच्छा बड़ा स्टोरी अच्छा बताया है कि एक मालिक था, तो उसकी मालकिन, मालिक जो था उसकी वाइफ मालकिन और उसका सर्वेंट दोनों टाइफाइड से बीमार थे या मलेरिया बोल दीजिए। तो उसने डॉक्टर को बुलाया चेकअप करने के लिए, तो डॉक्टर ने उसके वाइफ को पहले थर्मामीटर लगा करके चेक किया मालकिन को, और चेक करने के बाद में बोला कि इसका जो टेम्परेचर है वो 98 डिग्री है। आपको मालूम है 98 डिग्री क्या होता है, क्या होता है बताइए, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98 डिग्री, मतलब ठीक ठाक है, समझ में है ना। टेम्परेचर मीटर में निकला तो 98 डिग्री आया, और उसका सर्वेंट को जब चेक किया तो उसका 104 डिग्री बुखार था। वाइफ का जो मालकिन है उसका 98 था, और सर्वेंट का जो है वो 104 डिग्री है। तो डॉक्टर ने उसके स्वामी से कहा कि
कि देखो आपकी वाइफ का तो टेम्परेचर जो है वो 98 डिग्री है, उसका चिंता करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका जो सर्वेंट है उसका टेम्परेचर जो है 104 डिग्री है और उसका तुमको ठीक से केयर लेना पड़ेगा, नहीं तो उसका नुकसान हो सकता है। तो उसकी वाइफ ने जब ये सुना कि उसका खुद का टेम्परेचर जो है वो 98 है और सर्वेंट का टेम्परेचर जो है उसका क्या है 104 है, तो बोलने लगी सर्वेंट मैं हूँ, मतलब मालकिन मैं हूँ या वो है, उसको 104 डिग्री बुखार कैसे हो सकता है? 104 मेरे पास होना चाहिए, समझ में आया ना? 104 उसको कैसे हो सकता है? मतलब तुम डॉक्टर बोगस है, तुम ठीक डॉक्टर नहीं है, तुमने ठीक से देखा नहीं है, मेरे को कम कैसे हो सकता है टेम्परेचर? मेरा नौकरानी से ज़्यादा टेम्परेचर मेरा कैसे नहीं हो सकता है? नौकरानी होकर के उसके पास ज़्यादा कैसे? तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इस भौतिकता के ज्वर को बढ़ाना चाहते हैं। भौतिकता क्या है, सांसारिकता क्या है, सांसारिकता क्या है, उसी को काम भावना कहते हैं ना, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, समझ में ना? हम लोग चाहते हैं कि हम कृष्ण से दूर रह करके और अपना भोग बढ़ाते रहें, यू अंडरस्टूड? जब हम अपना भोग बढ़ाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, यही सांसारिकता का बुखार बढ़ाने के जैसा है, यही सांसारिकता का बुखार बढ़ाने के जैसा है। सो भगवान कहते हैं कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के गुण को देख करके उस व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, तो वो व्यक्ति तो मेरा अंश है, उसके अंदर जो गुण है वो मेरा ही गुण परिलक्षित हो रहा है, तो अगर मैं उसके गुण से ईर्ष्या करता हूँ तो मैं किससे ईर्ष्या कर रहा हूँ? एक्चुअली भगवान से ईर्ष्या कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, समझ में? तो इसीलिए चूंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, इसीलिए अभी तक ये नॉलेज नहीं मिला, और जब तक ईर्ष्या करते रहेंगे तब तक नॉलेज नहीं मिलेगा, तब तक ये नॉलेज नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान क्या बता रहे हैं, पहला कंडीशन क्या है नॉलेज प्राप्त करने का, ये जो गुह्य ज्ञान है, ये गुह्य ज्ञान उसी व्यक्ति को मिलेगा जो व्यक्ति ईर्ष्या विहीन होगा, ईर्ष्या नहीं करेगा। और ये ज्ञान दूसरा भगवान जब यहाँ पे कहते हैं कि प्रवक्ष्यामि का क्या अर्थ होता है? भगवान कह रहे हैं, प्रवक्ष्यामि का अर्थ होता है रिवील करना, प्रकट करना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये नॉलेज तुम अपने पुरुषार्थ से नहीं गेन कर सकते हो, ये जो गीता का ज्ञान है ये हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते। तो कैसे प्राप्त होता है? ये दिया जाता है, भगवान क्या कहते हैं, ये दिया जाता है, ये मैं देता हूँ, समझ में है ना? मैं किसी के भी माध्यम से दे सकता हूँ, मैं आगे डायरेक्टली भी दे सकता हूँ, मैं किसी के थ्रू बेच सकता हूँ, समझ में है ना? तो कोई अनस्क्रुपलस पर्सन खड़ा रहेगा वो लेने के लिए, उसको मिल भी जाएगा तो क्या करेगा वो, अरे ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू को नहीं जानता है। तो भगवत गीता का ज्ञान उसी व्यक्ति को मिलेगा, भगवान कहते हैं ये आप अपने पुरुषार्थ से गेन नहीं कर सकते हो, ये मैं दूंगा, और मैं किसको दूंगा, जिसके पास में योग्यता होगा। और फिर बताते हैं कि ये ज्ञान मिलने के बाद में क्या होगा, अभी आप बताइए, जब दूध होता है, दूध के अंदर थोड़ा सा दही डाल दिया, गरम करके दूध को उसमें थोड़ा दही डाल दिया, तो 4 घंटे के बाद में दूध का क्या हो जाता है, मतलब चेंजेस हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, है ना? मतलब वो वही नहीं रह गया जो पहले था, समझे? वो वही नहीं रह गया जो पहले था। अभी आप लोगों ने ये क्लास सुना क्या, कितने लोगों ने सुना? उसमें स्टार्टिंग में मैंने एक स्टोरी बताया, वो अंधा आदमी का, सुना स्टोरी? सुना अंधा आदमी का, क्या क्या था थीम उसका? कि मैं उठता हूँ तब दिन होता है और जब मैं सोता हूँ तब रात होती है।
लेकिन वास्तविकता वहाँ नहीं होती क्योंकि वो सूरज को नहीं देख पाता, लेकिन जब सूरज को देख पाते हैं वो जानते हैं कि सूरज से ही सब कुछ फूल खिलते हैं, बीज उगता है और सब चेंजेस आते हैं। वो सूरज को धन्यवाद देते हैं, बोलते हैं कि डोंट गो इनटू द डिटेल ऑफ द स्टोरी, आई एम आस्किंग यू द थीम। मैं आपसे केवल उसका सारांश पूछ रहा हूँ, मैं उस स्टोरी क्यों बताया। मतलब कि टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ सूरज वी मस्ट हैव विजन। नॉट ओनली टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ सूरज, उसकी बात नहीं कर रहा था, ये मैं बता रहा था कि जब व्यक्ति को भगवान को अप्रिशिएट करेगा, भगवान को रिकॉग्नाइज करेगा, तब भगवान से जो प्राप्त होने वाला वस्तु है उसको अप्रिशिएट कर सकेगा। समझ में? हाँ, जैसे जो व्यक्ति सूरज को जानेगा, सूरज क्या क्या हमारे जीवन में करता है उसको जानेगा, तब वो सूरज के हमारे जीवन में जो उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको क्या कर पाएगा, समझ पाएगा, अप्रिशिएट कर पाएगा। उसी तरह से भगवान हमारे लिए क्या क्या करते हैं उसको जब हम तभी समझ सकते हैं जब हम भगवान को जानते हैं। समझे ना? तो भगवान को जानने का ज्ञान भगवान ही देते हैं, ये हमको जानना चाहिए। भगवान को जानने का ज्ञान भगवान देते हैं, लेकिन भगवान जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान को प्राप्त करने का दो तरीका इसमें बताया है, एक ज्ञान और एक विज्ञान। ज्ञान क्या होता है? थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरी सिखाना। थ्योरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्कूल में जाकर के किताब पढ़ाते हैं ना, बोलते हैं किताबी ज्ञान। एक होता है किताबी ज्ञान और दूसरा होता है अनुभव का ज्ञान। कुछ लोग जो है किताब से, जैसे इंजीनियर लोग जो है सिविल इंजीनियर मान लो, हाँ, सिविल इंजीनियर कॉलेज में स्कूल में जाकर के क्या पढ़ता है, कैसे घर बनाना है, कैसे फाउंडेशन खोदना है, समझ में आया ना, और वो खाली ड्राइंग बनाता रहता है उसका। लेकिन जो कड़िया मिस्त्री रहता है, राजमिस्त्री बोलते हैं ना उसको, जो कड़िया मिस्त्री रहता है वो एक्चुअल ज़मीन में फाउंडेशन खोदता है और वो उसको खड़ा करता है और वो एक्चुअल घर बनाता है। इंजीनियर क्या बनाता है? ड्राइंग बनाता है। समझ में आया ना? तो एक्चुअली नॉलेज किसको है? नहीं, देखो भगवान कहते हैं दोनों कॉम्बिनेशन होगा तब फुल नॉलेज है। मतलब थ्योरी वाला भी होगा, डिजाइन भी बनाने आना चाहिए, हाँ वो एक प्लान भी बनाने आना चाहिए और एक्चुअल में भी बनाने को आना चाहिए। पर इंजीनियर को प्लान बनाने आता है लेकिन एक्चुअल में नहीं बनाने आता है, कड़िया को एक्चुअल में बनाने आता है, प्लान बनाने नहीं आता है। समझ में? दोनों का ज्ञान अधूरा है। लेकिन जब दोनों करेंगे, मतलब एक व्यक्ति अगर दोनों चीज़ सीख लेता है, वो प्लान बनाना भी जान लेता है, थ्योरी बनाना भी जान लेता है और उसको प्रैक्टिकली करना भी जान लेता है, उसका नॉलेज पूर्ण है। तो भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञान देता तो हूँ, ठीक है, समझ में आया ना, मैं आपकी योग्यता देख के आपको ज्ञान दे दिया लेकिन आपने यूज नहीं किया, तो समझ में आया ना, ज्ञान दे दिया आपको, थ्योरी दे दिया मैंने लेकिन अगर आपने उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाया तो फिर आपको लाभ नहीं हो। लेकिन जो ज्ञान और विज्ञान, मतलब किताबी से भी पढ़ लिया और अनुभव भी कर लिया खुद करके उसको, वो क्या होता है? मोक्ष से वो क्या होता है? मुक्त हो जाता है। मोक्ष से माने मुक्त होना। किससे मुक्त हो जाता है? इस अशुभ जगत से। समझे? तो ये ज्ञान का इम्पोर्टेंस कितना है, समझे, इस ज्ञान का इम्पोर्टेंस कितना है। इसीलिए भगवान अर्जुन को ये ज्ञान क्यों दे रहे? दसवें अध्याय में भी जाके कहेंगे पहला श्लोक में, भूयेव महाबाहो शृणु मे परम वचः यत्तेहं प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तुम मेरे बहुत प्रिय हो, है ना, तुम मेरे कौन हो? बहुत प्रिय हो। प्रिय कौन होता है? जो मेरे को गाली देता है, जो मेरा कपड़ा फाड़ता है, हाँ, जो मेरे को बदनाम करता है, बताइए, जो मेरे को कहीं देखा तो शुरू कर देता है, कौन होता है प्रिय? जो भगवान के पास है, मंदिर में रहता है। कौन होता है प्रिय, बताओ ना, आप लोग का प्रिय कौन है? जो सेवा करता है। हाँ, जो मेरे
भलाई के काम करता है, जो मेरी सेवा करता है, मुझे जो चाहिए वो ला के देता है, मेरे सुख दुख में साथ रहता है, समझ में आया ना, वो मेरे प्रिय होता है। लेकिन अगर जो मेरा प्रिय भी, जिसको मैं मान के रखा हूँ, लेकिन मेरे साथ वो दुर्व्यवहार करता है, हर जगह वो मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो मेरा प्रिय नहीं हो सकता है। तो भगवान बोलते हैं तुम मुझे प्रिय हो अर्जुन को। अर्जुन भगवान को क्यों प्रिय है? सिर्फ सखा इसलिए प्रिय है, अर्जुन में ईर्ष्या नहीं है। अर्जुन में ईर्ष्या नहीं है। दूसरी बात, अर्जुन भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है, भगवान जो कह रहे हैं वो करने के लिए तैयार है। जब अर्जुन के सामने दो विकल्प आए थे, मेरी एक अक्षौणी सेना लेके जाओ नारायणी, और नहीं तो मेरे को ले लो, सेना तो लड़ेगी भी तुम्हारे लिए और सारे सेनापति के साथ जाएगी, और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मैं कुछ लड़ाई बड़ाई भी नहीं करूँगा, कोई हथियार नहीं उठाऊँगा, सिर्फ तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा उतना कर सकता हूँ कि गाड़ी चलाऊँगा। क्या करूँगा मैं? सिर्फ तुम्हारा गाड़ी चलाऊँगा, उसके सिवा मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और करना होगा तो तुम्हारे साथ दो चार बात बोल लूँगा, कुछ एडवाइस कर दूँगा, पर तुम्हारे लिए मैं फिजिकली लड़ूँगा नहीं, तुमको तुम्हारी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, समझ में आया ना। तो अर्जुन सोच सकता था कि यार एक आदमी को लेके क्या फ़ायदा है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को एडवाइस ही देगा, मेरे से बातचीत ही करेगा, तो एक अछौड़ी में तो ऐसे कितने लोग तो होंगे जो मेरे को एडवाइस दे सकते हैं, उनके पास भी नॉलेज होगा है ना, तो फिर इसी आदमी का नॉलेज लेके क्या फ़ायदा है, उनका नॉलेज भी मिलेगा मेरे को, वो लोग मेरे लिए लड़ाई भी करेंगे, तो वो सेना ही ले लो। पर अर्जुन ने क्या किया, अपना कुछ भला बुरा नहीं सोचा, उसने क्या सोचा, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए, कृष्ण चाहिए, मैं हारूँ या जीतूँ उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन मैं कृष्ण चाहिए। दुर्योधन सोचने लगा ये अर्जुन बड़ा मूर्ख है ना, दुर्योधन क्या सोचने लगा, ये अर्जुन बड़ा मूर्ख है, इसको अक्ल नहीं है, पहले चांस मिला मांगने का फिर भी नहीं लिया, हाँ ये कृष्ण को मांग लिया, मुझे तो कृष्ण चाहिए नहीं था एनीवे, है ना, अगर ये सेना मांग लेता तो मैं ऐसे यहाँ से लौट जाता, कृष्ण को तो मैं लेके नहीं जाता। है ना, वो तो यही सोच रहा था, वो तो थोड़ी कृष्ण को मांगने आया था, वो किसको मांगने आया था, सेना को मांगने आया था, तो वो बोलने लगा जी देखो अर्जुन हम नहीं ले रहा है तो क्या है, मैं सेना ही लेके चला जाता हूँ। समझ में आया ना, वो डिप्लोमेसी दिखाया, एक्चुअली उसको कृष्ण नहीं चाहिए थे, उसको सिर्फ सेना चाहिए, और वो सोचने लगा ये मूर्खता बस अर्जुन ने सेना नहीं मांगा। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि तुमने अपने हार जीत का कोई ध्यान नहीं रखा, तुमको मेरी चिंता थी, यू वॉन्टेड मी, इसीलिए तुम मेरे प्रिय, समझ में ना, इसीलिए तुम मेरे प्रिय। तो हमको इस जगत के सभी चीज़ों को छोड़ करके, चाहे वो अक्षौणी सेना ही क्यों ना हो, हाँ अक्षौणी सेना मतलब पावर पोजिशन, समझ में आया ना, शक्ति है, हमको ये संसार से जो कुछ भी मिलने वाला है वो सबको अगर हम त्याग करके केवल भगवान की शरण में जाएंगे तब हम भगवान को क्या होंगे, प्रिय होंगे, ये समझ में आया ना, तब भगवान कहते कि तब मैं उसको क्या दूंगा, ज्ञान दूंगा, और उस ज्ञान को प्राप्त करके तुम यूटिलाइज करोगे तब क्या हो जाओगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे। ये कहने के बाद में फिर भगवान इसके दूसरे श्लोक में क्या बताते हैं, उस जो ज्ञान अर्जुन को देना चाहते हैं उस ज्ञान का, हाँ पूर्व श्लोक में विज्ञान से ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके उसके परिणाम में अशुभ से मुक्त होना बताया, अब इस श्लोक में भगवान विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं, यानी जो रियलाइजेशन थ्योरी और रियलाइजेशन के हिसाब से, मतलब किताब के द्वारा और अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो ज्ञान के जो लक्षण है उस लक्षण की यहाँ पे बात करी है। भगवान कहते हैं कि वो ज्ञान कैसा है, उसको राज विद्या कहते हैं, किंग ऑफ ऑल नॉलेज, सभी विद्याओं का राजा है, राजगुह्यम, और ये बहुत कॉन्फिडेंशियल भी है, राजगुह्य मतलब
राजा लोग का कॉन्फिडेंशियल है ये, समझ में ना, मतलब टॉप सीक्रेट है पवित्रम। इस ज्ञान को प्राप्त करना मतलब ये ज्ञान मिल गया तो उससे प्यूरिफिकेशन होता है। इदम उत्तमम, और ये ज्ञान जो है हमको उद्तम, उद्तम दो शब्द है इसमें, कौन कौन सा, उद प्लस तम, उद मतलब ऊपर उठना और तम माने अंधेरा, तो अंधकार से ऊपर उठाएगा। किसके अंधकार से ऊपर उठाएगा, अज्ञान के अंधकार से ये ऊपर उठा करके भौतिक जगत के अंधकार से मुक्ति दिलाएगा। आपने देखा होगा लिखा रहता ना हमारे आईआईटी में भी लिखा हुआ है, स्लोगन है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, क्या अर्थ है इसका पढ़ा होगा ना बहुत बार आप लोगों ने, हाँ तमसो माँ ज्योतिर्गमय क्या अर्थ है, अंधकार से उजाले, हाँ अंधकार से उजाले की ओर जाओ, तो अंधकार से उजाले की ओर जाओ मतलब क्या हुआ, या डार्कनेस में से, कोई डार्क रूम में फोटोग्राफी का डार्क रूम होता है ना उसमें से लाइट वाले रूम में आ जाना हुआ है क्या, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजाले में आओ, क्योंकि अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता है लेकिन उजाले में सब कुछ दिखाई देता है। मैं अगर ये रूम का लाइट बंद कर दूँ तो इसमें कितनी कुर्सी माप गिन सकेंगे, लेकिन अभी लाइट चालू है तो आप लोग सारी कुर्सी गिन सकते हैं, कोई भी गिन के बता देगा इसमें कितनी कुर्सियाँ हैं, है ना, प्रैक्टिकल करना है तो देख लो है ना। सो अंधकार जो है वो अज्ञान है, भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान जो है ये अंधकार से, भौतिक जगत के अंधकार से ये क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। ऊपर उठा के कहाँ लेके जाएगा, ये भौतिक जगत जो है इसको क्या बोलते हैं, तमा, हाँ तमोद्वार, ये तमोद्वार है मतलब ये क्या कहते हैं इसको, डार्क प्लैनेट है, डार्क है, यहाँ पे लाइट का अरेंजमेंट चाहिए, सूर्य का चाहिए लाइट का अरेंजमेंट चाहिए, अगर सूर्य नहीं है या लाइट नहीं है तो क्या रहता है, दिन में भी घोर अंधेरा रहेगा जब सूर्य ना रहे, रात में अंधेरा क्यों रहता है, क्योंकि सूर्य नहीं रहता, दिन में भी सूर्य चला जाए है ना तो अंधेरा ही अंधेरा है ना, है कि नहीं है, और वो हम लोग रोज देखते भी हैं कि सूर्य आता है जाता है, जब चला जाता है तो अंधेरा छा जाता है, पर रियलाइज नहीं करते हम लोग कि ये हमको इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि हम जहाँ पे हैं एक्चुअली ये अंधकार का जगत है। कभी कभी चंद्रमा आकर के थोड़ा लाइट दे देता है ना, अदरवाइज अगर ना सूर्य हो ना चंद्रमा हो ना जुगनू हो, हाँ नहीं तो ये सब लाइट का अरेंजमेंट हो, नहीं तो हम दिया बत्ती जलाएं, अंधेरे में कुछ भी देख सकते हैं, और ये जगत से अंधेरा कभी दूर हो सकता है, मतलब ये जगत क्या है, ये अंधकार में जगत है, समझा। लेकिन इसके विपरीत भगवान का घर कैसा है, न तद्भाषे तो सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, मेरा धाम ऐसा है जहाँ पे सूर्य चंद्रमा इत्यादि की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ एलिमिनेटिंग वर्ल्ड है, अपने आप से ही प्रकाशित है, वहाँ पे ऐसा ट्यूबलाइट वगैरह नहीं लगाना पड़ता है, घर का दरवाजा भी दीवार भी लगा दिया तो भी अंधेरा नहीं होगा, ऐसा वो जगत है। तो ये ज्ञान से क्या होगा, इस भौतिक अंधकार जगत से हम भगवत धाम को जाएंगे। प्रत्यक्ष अवगम्यम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, फिर भगवान कहते हैं इस ज्ञान का एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रत्यक्ष अवगम्यम, अवगम मतलब अनुभव करना, साक्षात अनुभव किया जा सकता ना, साक्षात अनुभव मतलब साक्षात अनुभव का मतलब होता है खुद अनुभव कर लेना, जैसे रसगुल्ला है, हाँ अगर मैं बोलूँ ये खाएगा रसगुल्ला और मेरे को मिठास लगेगी कुछ लोग बोलते हैं ना बेटा खा लेगा तो मैं संतुष्ट हूँ हाँ वो दिखावा संतुष्टि है समझ में आया ना, दूसरा कोई खा लेने से मैं थोड़ी मेरा पेट थोड़ी भरेगा, मैं मान के लिया बस पेट भर गया, चलो मेरा बेटा ने खा लिया मेरे को संतोष है ना, पर एक्चुअली मेरा पेट तो नहीं भरा, पर जब मैं खुद खाऊंगा तब मेरी क्षुधा का अनुभव जाएगा है ना, रसगुल्ला मैं अगर अपने जीवा पे रखूंगा तब मेरे को पूरा का पूरा अनुभव आएगा,
उसी तरह से भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ और इसका जो परिणाम मैं बता रहा हूँ उस परिणाम को आप साक्षात अनुभव कर सकते हो, बशर्ते जो कंडीशन दिया है वो फुलफिल करो। ज्ञान विज्ञान सही का थ्योरेटिकली तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जब कहा गया है कि जब करो बिना माइंड को कहीं भटकाए, तो अगर जब करेंगे तो जब से लाभ जो है वो अनुभव होगा। सुसुखम कर तुम, सुसुखम कर तुम मतलब इसको करने के लिए बड़ा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, बड़े आराम से हो जाता है। ये प्रैक्टिस जो है, ये प्रैक्टिस करना कोई अभी बताइए मेरे को, आपको नाम जपने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितना एनर्जी डालना पड़ता है, और गनी बैग उठाने के लिए कितना एनर्जी डालना पड़ता है, दौड़ दौड़ के ट्रेन पकड़ने के लिए कितना एनर्जी डालना पड़ता है, है ना? एनर्जी डालना पड़ता है कि नहीं डालना पड़ता है? नाम जप करने के लिए कितना एनर्जी डालना पड़ता है, तो सुख से होने वाला है, है ना? लेकिन हम लोग जो सुख से होता है वो नहीं करते, जो कठिन परिश्रम करके मिलता है, क्यों? हम लोग पवर्ग में है, प प ब भ म। सो इस तरह से भगवान उस ज्ञान के बारे में वर्णन करते हैं। फिर तीसरे श्लोक में ऐसी सुगम और सर्वोपरि विद्या के होने पर भी लोग उसका लाभ क्यों नहीं लेते, इसके बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। भगवान कहते हैं ये मैं तो देना चाहता हूँ, लेकिन जिसके पास में श्रद्धा ही नहीं है, अश्रद्धाना पुरुष, जिस व्यक्ति के पास श्रद्धा ही नहीं है उसको लेने के लिए, पुरुषमंस व्यक्ति, हाँ, जो जिस व्यक्ति के पास में मैं जो दे रहा हूँ उसको लेने में श्रद्धा ही नहीं है, हाँ, धर्मस्यास्य परंतप, धर्मस्य मतलब धर्म की महिमा पर, किस पे श्रद्धा नहीं है? धर्म की महिमा पर श्रद्धा नहीं है। धर्म क्या है? कृष्ण धर्मस्य तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो कहा वो धर्म है। तो भगवान कह रहे हैं मैं जो तुमको नॉलेज दे रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, अगर उस पर अगर किसी को विश्वास नहीं होगा तो उसको ये नॉलेज कैसे मिलेगा? अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। तो ऐसे लोग जिसको इस पर विश्वास नहीं है वो लोग मुझे बिना प्राप्त किए ही इस जगत में वापस लौट आएंगे। चौथा और पांचवें श्लोक में इस अध्याय के पहलू और दूसरे पहले और दूसरे श्लोक में जिस राज विद्या की महिमा बताई गई थी, अब आगे के दो श्लोकों में उसी का वर्णन करते हैं। तो इसमें भगवान क्या बताते हैं? मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिनां मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्ते सवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, हाँ, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुन के पढ़ लेना। न च मत्स्थानि भूतानि, भगवान कहते हैं मया ततम इदम सर्वम, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझमें हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान यहाँ अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं कि मया ततम इदम सर्वम, जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं अव्यक्त, हाँ, किस तरह से अव्यक्त हैं? भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय में ये बात और क्लैरिफाई करते हैं आगे ले जा करके। क्या कहते हैं? तो सूत्र दिखता है क्या मणियों के बीच में? नहीं, नहीं दिखता है ना। सूत्र जो धागा है वो मणियों के बीच में दिखता नहीं है, लेकिन मणियों के बीच से गया हुआ है। तो भगवान कहते हैं जब जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मैं अव्यक्त रूप में इस जगत को क्या करता हूँ? धारण करता हूँ। मत्स्थानि सर्वभूतानि, सारे जीव मुझसे उत्पन्न होते हैं। न चाहन्ते सवस्थित, इस जगत में जो कुछ भी है सब कुछ मुझसे प्रकट होता है, लेकिन मैं उसमें नहीं, सब कुछ मुझमें है। चैतन्य चैतन्यमृत में कहा है कृष्ण र शरीर सर्व विश्व र विश्राम, कृष्ण के शरीर में ही संपूर्ण जगत का निवास है। तो फिर कृष्ण संपूर्ण जगत में है क्या? है और नहीं, किस रूप में है और किस रूप में नहीं है, ये ज्ञान समझना है।
अपने शक्तियों के रूप में जगत में व्याप्त है भगवान, समझ में आया ना, अपनी शक्तियों के द्वारा जगत में व्याप्त है लेकिन अपने व्यक्ति के रूप में नहीं है, समझे। उनका व्यक्तित्व तो क्या है, द्विभुज शरीर, जो कृष्ण का दो द्विभुज स्वरूप है वो भगवान का ओरिजिनल स्वरूप है, उस रूप में भगवान नहीं है सब जगह में, समझ में आया ना, लेकिन अपने शक्तियों के रूप में वो दूसरे जगह में है, अपने एनर्जी के रूप में दूसरे जगह जगह में है। जैसे सौंदर्य कहाँ से आता है, भगवान से आता है, तो कोई जगत में सुंदर वस्तु दिखती है वो उसका सौंदर्य किससे आया है, भगवान से आया है ना। किसी के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो व्यक्ति का जो नॉलेज एक शक्ति है ना, वो शक्ति किससे आई है, कृष्ण से आई है। तो भगवान इस जगत में अपने आप को पूर्ण रूप से सर्वत्र व्याप्त किया है, हम सब जगह भगवान को देख सकते हैं। अभी हम लोग जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना, जगन्नाथ जी को कहाँ कहाँ नहीं देख सकते हैं, विग्रह में देख सकते हैं, खिलौने में देख सकते हैं, पोस्टर में देख सकते हैं, स्टिकर में देख सकते हैं, कार पे पेंटेड देख सकते हैं, बस पे पेंटेड देख सकते हैं, स्टेशन में देख सकते हैं, बिलबोर्ड पे देख सकते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर देख सकते हैं, दुकान के नाम के रूप में देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं है वो बताइए, सर्वत्र है। लेकिन क्या दुकान है भगवान, अभी किसी दुकान का नाम रख दिया जगन्नाथ स्वीट शॉप है ना, तो क्या वो जगन्नाथ स्वीट शॉप जगन्नाथ है, है ना, या जगन्नाथ मोटरसाइकिल नाम रख दिया, तो साइकिल जो है या मोटरसाइकिल जो है क्या वो जगन्नाथ जी का स्वरूप है, नहीं है। वही भगवान कहते हैं मत्स्थानी सर्वभूतानी नचाहम ते सवस्थित है, न च मत्स्थानी भूतानी पश्य मे योगमेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्तु महात्मा भूत भाव, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं है, जरा मेरे योग्य ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान ये जो बातें बताते हैं इसको समझने के लिए थोड़ी सी बुद्धि लगती है, समझे, और ये भगवान इस विषय में बहुत ही गुड़ गुड़ बातें बता रहे हैं। यहाँ पे देखो, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित हैं, कृष्णे र शरीरे सर्व विश्वे र विश्राम, जरा मेरे योग्य पदार्थ को देखो, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान कहते हैं देखो मेरा योग्य ऐश्वर्य, मुझसे सब कुछ ये जगत प्रकट हुआ है, पश्य मे योगमेश्वरम, हाँ मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूँ, भूत भृण्य च भूतस्थो, मैं सभी जीवों में स्थित हूँ और सबका पालन करने वाला हूँ, ममात्मा भूत भावना, लेकिन क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, मुझसे ही संपूर्ण मम आत्मा, इस सृष्टि की संपूर्ण सृष्टि की आत्मा कौन है, मैं हूँ। जैसे ये हमारा आत्मा जो है हमारे पूरे शरीर को पालन करता है, लेकिन हमारा शरीर हमारा आत्मा है क्या, हमारा शरीर का कोई भी अंग जो है वो आत्मा कहेंगे उसको, लेकिन शरीर के सारे अंग का पालन कौन कर रहा है, शरीर में जो भी ग्रोथ होता है वो किसके कारण हो रहा है, आत्मा है। तब जब आत्मा निकल जाती तो नष्ट हो जाता है कि नहीं, लेकिन शरीर में जितना भी ग्रो हुआ, इसलिए इस जगत में जो कुछ भी रचना हुई है वो सब किससे हो रही है, भगवान से। शरीर को एक मॉडल बना के देखिए, है ना, शरीर में जितना भी विकार उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है, जब तक आत्मा है तभी तक, जब आत्मा चली गई सारे विकार भी नष्ट हो जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। शरीर के क्या विकार है बताइए, 6 विकार, हाँ जन्म, हाँ है ना। तो देखो अपने शरीर को एक मॉडल के रूप में देखो, जब हम बच्चे थे तो शरीर में क्या क्या डेवलप था, हाथ पैर सब था पर कैसा था, है ना, हाथ पैर सब कैसा था, स्टार्टिंग में तो सिर पर बाल भी नहीं रहते है ना, फिर बाल आता है इतना लंबा लंबा भी हो जाता है, कुछ लोग का बाल तो एकदम जमीन को टच करता है, हा? शरीर में हाथ पांव मोटे हो जाते हैं और भी दूसरे लिम्स और बढ़ जाते हैं, जो पहले नहीं दिखते थे वो दिखने लग जाते हैं, समझ में आया ना। तो ये ग्रोथ है, ये परिवर्तन है, पर ये सारे परिवर्तन का कारण कौन है, आत्मा है, है ना। अगर आत्मा नहीं है शरीर में तो परिवर्तन दिखेगा नहीं दिखेगा,
परिवर्तन बिल्कुल नहीं दिखेगा, है ना। तो एक्चुअली ये जो शरीर में परिवर्तन हुआ है या शरीर का जो अवयव है, क्या वो आत्मा है? नहीं, नहीं है। वो उसी तरह से इसको समझना है, समझ में ना, कि भगवान के कारण मम आत्मा भूत भावना, मम आत्मा, मैं हूँ सब चीजों का आत्मा, इस जगत को निर्माण करने का, सारा जगत मुझ पर आश्रित है, मुझसे इस जगत का पालन पोषण और बर्थ होता है, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ। जैसे शरीर आत्मा नहीं है पर आत्मा के द्वारा शरीर का सारा ग्रोथ होता है, उसी तरह से भगवान के द्वारा ये संपूर्ण जगत का सृष्टि होता है, इसका ग्रो होता है, इसका डिंडलिंग भी हो जाता है, लेकिन भगवान जो है ये शरीर में या इस जगत में खुद पर्सनली व्याप्त नहीं है। ये अच्छा एनालॉजी मिला है ना समझने के लिए शरीर वाले। उसके बाद में छठवें श्लोक में भगवान पीछे के दो श्लोकों की कही हुई बात को दूसरे दृष्टांत से बताते हैं, दृष्टांत द्वारा बताते हैं, मतलब एक उदाहरण लेकर के बताते हैं। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारयत्। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है भगवान ने। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। जैसे हवा जो है वो कितना भी विशाल क्यों ना हो, है ना, कहाँ रहेगी? आकाश में। आकाश से विशाल हो सकती है क्या? नहीं। तो भगवान उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा मुझको मान लो। कृष्ण र शरीर सर्व विश्वेर विश्राम, कृष्ण एक सर्वाश्रय कृष्ण सर्व धाम, ये याद कर लो काम आएगा। हाँ, कृष्ण एक सर्वाश्रय, एक सर्वाश्रय, कृष्ण अकेला सबके आश्रय, कृष्ण एक सर्वाश्रय कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वे विश्वानो।